चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हरियाणा कृषि विभाग टिड्डी दल को लेकर सतर्क हो गया है। राजस्थान बीकानेर सीकरी जैसलमेर बीकानेर बढ़ामेर चौधपुर में पहुंच चुका है। टिड्डी दल राजस्थान के साथ स्टेट हरियाणा के जिलों में किसानों को किया सतर्क। टिड्डी के खतरे को देखते हुए कृषि विभाग ने लगाई अधिकारियों की ड्यूटी। डीजे थाली ढोल पीपे बजाकर उन्होंने टिड्डियों को उड़ाने का काम किया। अगर टिड्डी दल हरियाणा की ओर आ जाए तो हरियाणा के साथ लगते जिलों को भी भारी नुकसान हो सकता है। दल का आना हवाओं के रुख के साथ होता है। अगर हवाएं हरियाणा की ओर बहें तो टिड्डी दल हवा के साथ आ सकती हैं, क्योंकि ये दल हवाओं के रुख के साथ ही आगे बढ़ते हैं। ये दल एक दिन में 150 किलोमीटर दूरी पर झुंडों के आकार में उड़ता है, जिसमें टिड्डियों की संख्या काफी ज्यादा होती है। आपको बता दें कि भारत में टिड्डी दल 1978, 1983, 1986, 1993, 1997, 2005, 2010, 2019 में टिड्डियों ने किसानों की फसलों पर हमला किया था। जो टिड्डी दल के बारे में काफी आपने भी सुना होगा, अखबारों में भी आया है, आपस में किसान भाई या विभाग के अधिकारी भी बात करते हैं, तो कल या एक दो दिन पहले शाम को पता लगा भी टिड्डी जो हरियाणा के सीमावर्ती राजस्थान का जो एरिया लगता है वहाँ टिड्डी का प्रकोप काफ़ी हो चुका है। तो इसमें जहाँ लगे राजस्थान के साथ लगते अधिकारियों से हमारे काफ़ी अधिकारी जो उधर के उन्होंने बात करी, तो ये बात सामने आई कि जो टिड्डी का झुंड है या जो टिड्डी सोन में चल रही है वो 6 से 8 किलोमीटर लंबी व 1.5 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन वो राजस्थान के अपने जो नारनौल के पास खेतड़ी और ये इधर लूनसर श्रीनगर का यहाँ जो पता लगा, तो वो अब कल जो बात करी तो बता रहे थे कि वो हवा की डायरेक्शन की वजह से सीकर की तरफ चली गई। लेकिन इसमें किसान भाइयों को किसी प्रकार का पैनिक होने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरे दिन चलती है और शाम को अंधेरा होते ही वहीं बैठ जाती है। जिस जगह बैठती है वहाँ काफ़ी नुकसान करती है। ये पौधा का चाहे फल फूल पत्ती हर तरह से उसको खाकर नुकसान करती है और इसकी एग लेइंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। पता इस बारे में किसान भाई ढोल नगाड़े डीजे जो अगर वो झुंड जो ही दिखाई दे बजाना शुरू कर दें तो उससे ये अपना रास्ता चेंज कर देती है या थोड़ी ही आगे निकल जाती है।